सब्सक्राइब करें फूड टिपर्स एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड टिपर्स। कैसे हैं आप सब? आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार पीना कोलाडा केक। सबसे पहले हम इसका स्पंज तैयार करेंगे और फिर हम इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार करेंगे। स्पंज बनाने के लिए हमें चाहिए 4 अदद अंडे, 8 टेबलस्पून चीनी, 8 टेबलस्पून मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 पिंच मीठा सोडा और 1/4 टीस्पून हम वनीला एसेंस के यूज़ करेंगे। सबसे पहले चारों अंडों की सफ़ेदियाँ और जर्दियाँ हम अलग अलग कर देंगे। चारों अंडों की जर्दियाँ और सफ़ेदियाँ अलग अलग हो चुकी हैं। अब हम सफ़ेदियों को 10 से 15 मिनट के लिए बीट करेंगे ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए। देखें सफ़ेदी कितनी फ्लफ़ी हो चुकी है और ये क्वांटिटी में भी डबल हो गई है। अब मैं इसमें जर्दियों को भी ऐड कर दूंगी। अगेन बीट करेंगे। अब इसमें हम 8 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे। ये मैं पाउडर शुगर यूज़ कर रही हूँ, रेगुलर शुगर को मैंने ग्राइंड कर लिया था। और केक बनाते वक्त आपने क्वांटिटी का बहुत ख्याल रखना है। देखें किस तरह मैं मेजर करके इसमें ऐड कर रही हूँ, इसी तरह आपने करना है। अगर आप कम ज़्यादा करेंगे तो केक आपका ख़राब हो जाएगा। अब हम बीटर की मदद से शुगर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें। अब हम इसमें 8 टेबलस्पून मैदा शामिल करेंगे। पहले हम 4 टेबलस्पून करेंगे, इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, फिर अगेन 4 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देंगे। अब बीटर की मदद से हम इसे मिक्स करेंगे। अगेन 4 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे। अब इसे भी बीटर की मदद से हम मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा अच्छी तरह से बीट हो चुका है। अब हम इसमें वनीला एसेंस शामिल करेंगे, बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे और बेकिंग सोडा भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ों को बीटर की मदद से मिक्स कर लेंगे। ये बेसिक स्पंज केक की रेसिपी है, इसमें किसी किस्म का बटर या ऑयल इस्तेमाल नहीं होता है। और इसी स्पंज केक से हर किस्म का केक और पेस्ट्रीज भी तैयार की जाती हैं। ये 8 इंच का पैन है, इसे हम अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। ऑयल या बटर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें ये अच्छी तरह से ग्रीस हो चुका है। अब हम इसमें अपना बैटर डाल देंगे। दो से तीन मरतबा हम इसे टैप करेंगे ताकि कोई भी बबल हो वो निकल जाए। एक पतीले में मैंने छोटे साइज़ के पत्थर पहले से ही गर्म करने रखे हुए हैं। आप चाहें तो इसे नमक में भी बना सकते हैं, लेकिन नमक का टेस्ट आ जाता है मीठी चीज़ों में, इसलिए मैं आपको पत्थर रिकमेंड करूंगी। इसके ऊपर मैं वायर रैक रख रही हूं। अब इसके ऊपर हम अपने केक का पैन रख देंगे। फ्लेम हमने लो पर सेट की हुई है। अब हम इसे कवर करके तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। देखें इसे मैंने बीच से प्रिक किया था ताकि इसमें से एयर निकल सके। देखें ये बिल्कुल प्रॉपरली कुक हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। एक प्लेट में मैं इसको निकाल रही हूँ। तैयार है हमारा स्पंज केक। अब हम इसकी फ्रॉस्टिंग की तरफ चलते हैं।
फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप पीसी हुई चीनी यानी कि पाउडर शुगर, 200 ग्राम्स बटर, 200 ग्राम्स क्रीम चीज़, इसकी रेसिपी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और 1/4 टीस्पून हम वनीला एसेंस के यूज़ करेंगे। सबसे पहले एक बड़े बॉल में हम क्रीम चीज़ ऐड करेंगे। बटर शामिल करेंगे। वनीला एसेंस शामिल करेंगे और पाउडर शुगर भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से बीट करेंगे। देखें अभी कितनी क्रीमी हो चुकी है, ये रेडी है। अब हम पीना कोलाडा केक की असेंबलिंग करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए स्पंज केक, पाइनएप्पल सिरप जो टिन में मौजूद होता है, 1 कप पिसा हुआ खोपरा, ये 1 टिन पाइनएप्पल है इसे मैंने ग्राइंड करके रखा है, और थोड़े से हम पाइनएप्पल के चंक्स यूज़ करेंगे। सबसे पहले नारियल को एक पैन में डालेंगे, इसे हमने लो फ्लेम पर भूनना है। चम्मच हम कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे ताकि नारियल हमारा जले ना। इसे हमने गोल्डन ब्राउन कलर देना है। देखें ये कैसे कलर चेंज करने लगा है। ये तैयार हो चुका है। अब मैं इसे एक प्याली में निकाल लूंगी। अब इस स्पंज को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। इसे बहुत एहतियात से कट करेंगे। अब इसमें हम पाइनएप्पल सिरप डाल के इसे मॉइस्ट करेंगे अच्छी तरह से। अब इस पे क्रीम चीज की फ्रॉस्टिंग लगाएंगे जो पाइनएप्पल मैंने ग्राइंड करके रखे थे, अब उसकी लेयर लगाएंगे। अब स्पंज केक को हम इस पर कवर कर देंगे। इसे भी पाइनएप्पल सिरप के साथ मॉइस्ट करेंगे। अगेन ग्राइंड किया हुआ पाइनएप्पल इस पर स्प्रेड करेंगे। केक के साइड्स में मैं बटर पेपर लगा रही हूं ताकि मैस ना हो। अब हम इस पे क्रीम चीज लगाएंगे। सब तरफ अच्छी तरह से कवर कर लेंगे केक को। फ्रॉस्टिंग हमारी अच्छी तरह से कवर हो चुकी है। अब इस पर हम भुना हुआ नारियल स्प्रिंकल करेंगे। साइड्स में भी अच्छी तरह से इसको लगा देंगे। अब बटर पेपर को हम रिमूव करेंगे।
ये देखें काफ़ी मैस से हम बच गए हैं। अब इसके ऊपर हम पाइनएप्पल के चंक्स रख देंगे। अब इसे हम कट करेंगे। ये देखें कितना यमी बना है ये और कितना सॉफ्ट है। अब मैं इसे ट्राई करूंगी कि इसका टेस्ट कैसा है। ट्रस्ट मी इट्स डिलीशियस। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस केक की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस केक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।